मॉनसून में मूसलाधार बारिश, बाढ़ और बिजली गिरने से आई आफत के बीच अब एक ऐसी खबर जो आपको हैरान कर सकती है। गुजरात के द्वारकाधीश मंदिर पर आकाशीय बिजली गिरने की घटना हुई, लेकिन गनीमत यह रही कि किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। भक्तों की आंखों के सामने मंगलवार को जो हुआ उसी चमत्कार को अब नमस्कार कर रहे हैं। भीषण बारिश के दौरान द्वारका मंदिर के परिसर में बिजली गिरी, उस वक्त जब भक्त मौजूद थे, पूजा पाठ चल रहा था। भक्तों ने क्या देखा, सबसे पहले उनकी जुबानी पूरी कहानी सुनिए। दोपहर को ऐसा जमकर बारिश हुआ और बारिश की वजह से बिजली का माहौल हो गया था और बिजली गिरी और जो धजाजी थे उनके ऊपर गिरी और धजाजी थोड़ा डैमेज हो गया। और उसके बाद प्रशासन का ऐसा रूल्स है कि भाई ऐसा जब भी इंसिडेंस होता है तभी उसके बाद में जो धजा चढ़ती है वो आधी काठी में चढ़ती है। मंदिर के ऊपर गिरी, बट मंदिर पे कुछ नहीं हुआ, बट धजाजी थोड़ा फट गए और मंदिर को कुछ नुकसान नहीं हुआ। हम लोग बहुत डर गए थे, बट यहाँ पे कुछ मतलब पब्लिक को और मंदिर को कुछ नहीं हुआ, सिर्फ दर्जा को थोड़ा नुकसान हुआ है और कुछ नहीं। चश्मदीदों के मुताबिक द्वारकाधीश ही भक्तों के रक्षक बनकर खड़े हो गए। सोचिए बिजली भक्तों पर गिरी होती तो क्या होता। बिजली गिरी लेकिन किसी का बाल भी बाकर नहीं हुआ, यहाँ तक कि मंदिर को भी किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ मंदिर के शिखर पर लहरा रही ध्वज फट गई। इतना भयानक था, बारिश इतनी भयंकर थी कि हम लोग सोच भी नहीं सकते कि इतनी सारी बारिश होगी और हमारा प्रोग्राम सक्सेस होगा। दोपहर को 11-12 बजे से बारिश शुरू हुई, 3:30 बजे तक हम पूजा जब तक धजा की स्टार्ट की तब तक काफ़ी बारिश गिर रही थी और हम संशय में थे कि धजा कैसे चढ़ाएंगे। और लेकिन द्वारकाधीश की कृपा से यहाँ 3 बजे बिजली गिरी वो ध्वजा के ऊपर, मंदिर के ऊपर। उसके बाद 5 बजे की हमारी ध्वजा थी तो द्वारकाधीश ने पूरा बिजली को अपने मंदिर में समा लिया और एक चमत्कार हुआ। और 3:30 बजे के बाद बारिश भी बंद हो गई और हमारी 5 बजे जो ध्वजा थी वो हमने गाते बाजाते आराम से चढ़ाई ध्वजा और द्वारकाधीश ने हमारी ध्वजा स्वीकार कर ली। द्वारकाधीश मंदिर पर बिजली गिरने की घटना को लेकर मंदिर प्रशासन से गृह मंत्री अमित शाह ने फौरन पूरी डिटेल ली। द्वारकाधीश नाम का मतलब है द्वारका के राजा यानी भगवान श्री कृष्ण। श्रद्धालुओं का कहना है कि जब प्रभु द्वारका में विराजमान हैं, तो काल भी भक्तों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गोपी घांघर के साथ आज तक ब्यूरो।